राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के बाद बना तनाव शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सोमवार को एक बार फिर उसी जगह पथराव होने की खबर सामने आई। इस बार उपद्रवियों के निशाने पर रही क्राइम ब्रांच की टीम। जहांगीरपुरी मामले में जांच के लिए पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम पर आज पत्थर फेंके गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार टीम वहां गोली चलाने वाले आरोपी की पत्नी को अरेस्ट करने पहुंची थी, तभी टीम पर पथराव किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर जांच के लिए गई थी। इस दौरान उन पर पथराव हुआ। पुलिस और आरएएफ मौके पर तैनात है। जहांगीरपुरी हिंसा पर डीसीपी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में उनके परिजनों ने पथराव किया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने हनुमान जयंती पर हुई हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घटना की पूरी जानकारी लोगों के सामने रखी। करीब 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, तो पिछला हिस्सा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। जानकारी देते हुए राकेश अस्थाना ने बताया कि इस मामले में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 आरोपियों के खिलाफ पहले से केस दर्ज है। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है, उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच औपचारिक तौर पर क्राइम ब्रांच के हवाले की गई है। एक डीसीपी की देखरेख में 5 एसपी, 10 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ये जांच करेगी कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। बांग्लादेशी एंगल से भी जांच की जाएगी, क्योंकि न केवल लोग बल्कि राजनीतिक हस्तियां भी जहांगीरपुरी मामले में बांग्लादेशी लोगों के शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं इस हिंसा को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बताकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल की जवाबदेही तय करने में लगी हुई है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों को इस घटना का जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। पहले रामनवमी पर देश के कई शहरों में हिंसा हुई और फिर अब हनुमान जयंती पर हुआ उपद्रव। ये हिंसाएं देश की शांति को बिगाड़ कर माहौल खराब करने की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। आईएनएस रिपोर्ट।